जी गर्मी भी बहुत ज्यादा है। देखे ना, धूप कड़ाके की निकली हुई है। शाम से ना वो ऐसे इधर आ गई है ऊपर। कहीं पर तैयार हो चुके हैं तो अभी जी हम लोग पानी भी बना लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ईद आने वाली है तो मैंने करनी है घर की सफाई, तो आज सुबह 7 बजे से लगी हूँ। तो अभी जो है ना, एक कमरा तो मैंने फाइनल कर लिया है, इसकी छत भी साफ की है, नीचे फर्श वगैरह भी धो लिया है, क्योंकि चादरें जो है ना मैंने धो ली हैं। एक कमरे की चादरें इधर इस तार पे डाली हैं, कुछ कपड़े जो है ना बाहर पड़ोसियों की तार पे डाले हैं। तो अभी ये सारा जो है ना, इतना जो है ना सामान बिखरा पड़ा है, तो कपड़े कुछ धोने वाले हैं, कुछ धुले हुए हैं। तो आज पूरा मेरा घर आप लोग देख सकते हैं, आज घर की बुरी हालत है। अभी इस कमरे को भी मैं फाइनल करना है, छत भी साफ करनी है, नीचे फर्श वगैरह भी धोना है। तो आज जी गर्मी भी बहुत ज्यादा है, देखे ना धूप कड़ाके की निकली हुई है। तो ये पत्ती जो है ना, ये टूट चुकी है, अब इस पे ना मच्छर देखे कैसे गए। बरामदे की छत और कमरे की छत तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, तो कमरे से झाड़ू भी मैंने लगा लिया है। तो मैंने कहा ये साथ कपड़े भी धोती रहूँ ना, ये भी जल्दी सूख जाए। तो जी अभी अम्मी ने इतना काम करवाया कि इस टाइम बिल्कुल थक चुके हैं। अभी ये कुर्सियाँ भी धोनी है, सुबह से हम काम कर रहे हैं। तो जी अम्मी के साथ और काम भी करवा लिए और अभी मैं कुर्सियाँ धो रहा हूँ। बहुत अच्छी छुट्टी हुई है तो बहुत अभी ये जल्दी सूख जाएगी। फैमिली जी, ये कमरा तो हमारा फाइनल हो चुका है, चादरें भी मैंने बिछा दी हैं, नीचे जो है ना फर्श की धोया नहीं है, टाक मैंने लगाई है, पंखा चला दिया है, मैंने कहा जल्दी जल्दी सूख जाएंगे वरना धूप है ना बाहर तो कमरे में हवा हो जाएगी। तो अभी 1:05 भी हो चुके हैं। अभी ऐसे कहे कि जो सांस है ना वो ऐसे इधर आ गई है ऊपर। तो जी ये आखिरी काम है फर्श धोना, बाकी कपड़े भी धुल चुके हैं, घर पूरे घर के काम जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मशीन को मैंने धो के तो इसको साफ करके धूप पे खड़ा दिया है। मैंने कहा लेना ऊपर मक्खियाँ में ना बैठें, तो जाली वाला जो कपड़ा है ना मैंने ऊपर डाल दिया है, क्योंकि फिर मक्खियाँ बैठती हैं ना तो ये मेरी मशीन जो है ना ये गंदी हो जाती है। तो ये अभी फर्श धो लेती हूँ। अभी जो है ना 5:30 का टाइम हो चुका है शाम के, तो कपड़े हमारे कुछ सूख गए थे, कुछ अभी बाकी खड़े हैं, ये आप लोग देखें तड़ाम पे ये तार में खड़े हैं। तो गेट के जो है ना कपड़े खड़े थे, ये उतार देती हूँ, ये भूल ना जाऊँ ना। तो आज कुछ सामान लिया है ईद के लिए, तो जैसा आपको पता है कि ईद से पहले जो है ना इस तरह के सामान लेना पड़ता है। प्याज लिए हैं, आलू भी लिए हैं, साथ जो है ना टमाटर भी माशाल्लाह बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल में 1 किलो टमाटर भी है। तो अभी मैंने धो के इधर रखे, मैंने कहा ये पानी खुश्क हो जाए फिर जो है ना फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि फ्रिज को मैंने चला दिया है। ये संभाल लेती हूँ। मैंने प्याज इधर ही रख दिए हैं, दराज में पड़े रहेंगे ना। तो ये छोटे छोटे आलू मैंने उठा लिए हैं, ये धो के ना ये उबाल होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। जो बड़े साइज के हैं ये अभी पड़े हैं, ये नहीं धोते, क्योंकि आलू को धो के बना रखे ना ये ख़राब हो जाते हैं। फिर मस्जिद में भी शोर आ रहा होगा, वीडियो में शोर होगा, तो ये मस्जिद में ना चंदा मांग रहे हैं दो मस्जिद में। हम बनाएंगे जी दही भल्ले। अभी मैं खीरे काट रही हूँ, तो कुछ सामान जो है ना मेरे को बाहर से लेने गए हैं, तो मैंने कहा जो है ना कुछ घर पे ना तैयार कर लेती हूँ। तो ये नरम नरम था जी छिलके, तो मैंने छिलके नहीं उतारे। तो अभी जी मेरे शोर जो है ना सामान लेके आ गए हैं, बड़े जल्दी आए हो। तलाश था ये दही भी है और ये जलेबी।
फिर जलेबी भी ले आए। हाँ मेरा कल बच्चे तैयारी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम सब बहन भाई, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। बेगम साहबा मुझे घर नहीं बैठने देती, कभी क्या ले आओ कभी क्या ले आओ, अभी नौकरी करके आया हूँ। चलो फटाफट करो टाइम कम है ना। नहीं बस अभी कर देना, ये ना दरवाजा बंद कर दो भैया, तो जलेबी इधर ही रखते थे तो ये फ्रिज में रखते हैं, जल्दी से ना इधर ही जो है ना ठंडी हो जाए। तो आज मेरे खुशियाँ थी तो अभी बात भी नहीं आती क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी भी है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कपड़ा भी जो है ना ये चमक रहा है, तो कुर्सियाँ भी चमक रही हैं। तो अभी ये हमारी जो ना खुलियाँ ये अभी बीच में मैंने गर्म पानी में डाली हैं, तो ये सिलेंडर है तो लीक, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है तो क्योंकि टाइम भी कम है ना हमारे पास, तो इस वजह से ये मैंने गर्म पानी में जल्दी जो है ना ये गर्म हो जाएंगी, जो इसका तेल वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा, तो इधर हमारे आलू जो है ना वो बॉयल हो रहे हैं। तो चूल्हे होते हैं तो फायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने बर्तन खुला ले लिया है, तो मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही हैं, तो चूल्हे को मैंने साथ बिठा दिया। मैंने कहा बेटा जल्दी जल्दी जो है ना बनाते हैं, तो आप मक्खियाँ भगाते रहो, तो मैं जो है ना आलू बैल हो चुके हैं, अभी जल्दी से ना आलू काट देती हूँ क्योंकि ये खुला बर्तन है जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, खुले बर्तन में आसानी हो जाएगी ज़रा। तो बेटा मक्खियाँ भगाओ, मुझे काफ़ी तंग कर रही है, इधर देखे ना ये ना वो क्या कर सकते हैं, मैं आपको पैसे देना, मैं ना उधर बोल रहा हूँ स्प्रे दुकान से। तो बर्तन देखे तो हमारे पूरे में भी पड़े हैं, हाँ तो इस वजह से मैंने कहा बर्तन पड़े ना उनकी खाए रहे, पहले जो है ना अफ्तार की तैयारी कर लेते हैं, और जो वो ना फ्रिज में दही पड़ी है वो ले आओ। अच्छा दही मैंने उठा लिया है, अम्मी को देते हैं भाईजान सेट कर ले, ये ले मैंने काट लिए हैं, ये अभी ठंडे हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घर में जो है ना जो वाला बल्ले बनाता है ना बनाता है, तो वो जो है ना माशाल्लाह एक तो बरकत वाले भी होते हैं, दूसरा जो है बहुत अच्छे भी लगते हैं। घर में हाथ की चीज़ बनी हुई ना तो ऐसे समय में सुभान अल्लाह। ये है चाट मसाला, तो आप लोगों को सच्ची सच्ची बात बताऊं तो ऐसा मेरा दिमाग है, तो ये मैं आलू जो है ना ये भूल गई हूँ, आज दिन में बहुत ज़्यादा काम किया ना हम लोग। हाँ जी हम जान इस बार ना ये आखिरी लोग में ना घर पे बर्गर बनाते हैं, क्या ख्याल है आपका? चलो बस देखेंगे कल बना लेंगे जी, क्योंकि मैंने देखा ना वो तो बहुत आसान है, हम बाहर से खाते हैं वो तो गंदे होते हैं, ये घर पे हम चलो सफाई से अच्छे बनाएंगे। हाँ जी तो ऐसे कर लेंगे। तो अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने दही भले जो है ना तैयार कर लिए हैं, लेट तैयार करेंगे क्योंकि फ्रिज मैंने बाद में चलाया है ना तो पानी ठंडा हो जाए। फैमिली जी हमारे जो है ना जी दही भले तैयार हो चुके हैं, तो अभी जी हम लोग पानी भी बना लेते हैं। तो ये जो है ना कुछ सामान बच गया है ये फ्रिज में रख देते हैं, तो क्योंकि इधर हम लोगों ने प्लेटें भी लगानी हैं तो पानी भी तैयार करना है। ये जलेबी भी है अभी गरम गरम पड़ी है, ये भी निकाल लेते हैं, ये भूल ना जाए ना। ये हमारे पड़ोसियों के घर से ना ये खजूरें एक समोसा भी आया है, तो अभी ये जो है ना जो है इधर पका दो मुझे, ये ले मुझे। अभी तकरीबन जो है ना 15 मिनट पड़े हैं, तो हम लोग जो है ना अफ्तारी करेंगे, तो मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आज का वीडियो आप सब बहन भाइयों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।